नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे तथा खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आपका स्वागत है हमारी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण में संकलित अध्याय 8, जिसका शीर्षक है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोषण प्रदेश। बच्चों, सबसे पहले तो हम अपने इस अध्याय के शीर्षक को ही समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है कि मानव पर्यावरण अर्थात मानव और उसका पर्यावरण, दोनों के बीच जो संबंध है, मानव पर्यावरण के साथ अनन्य क्रिया करता है और पर्यावरण का भी मानवीय क्रियाकलापों पर बहुत असर पड़ता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें एक समान नहीं पड़ती। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में इस बात को अच्छे से जाना है कि पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें एक समान रूप से नहीं पड़ती। आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं तथा इनके आसपास पूरी गर्मी पड़ती है। आप भूमध्य रेखा से ज्यों ज्यों ध्रुवों की तरफ जाते हो तो आपको यहाँ पर तापमान कम होता नज़र आएगा। इसी प्रकार से पृथ्वी पर मुख्य रूप से आप यहाँ 3 कटिबंध देख सकते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और टुंड्रा प्रदेश। बच्चों, हमारे आज के इस अध्याय में हम ये 2 प्रदेश उष्ण कटिबंधीय और इसी का एक उप प्रदेश उपोषण प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ लगभग 10 डिग्री तक सूर्यताप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है और इस भाग में बहुत गर्मी पड़ती है और यहाँ इसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। बच्चों, यहाँ की जलवायु गर्म होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और जीवन में भी अन्य प्रदेशों के अन्य कटिबंधों के मुकाबले बहुत विविधता देखने को मिलती है। इसी प्रकार से बच्चों, जो दूसरा प्रदेश है उपोषण प्रदेश, ये लगभग उत्तरी गोलार्ध में आप देखिए 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है, जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से थोड़ा सा कम तापमान है, तो जिस कारण से यहाँ पर यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की जलवायु और वनस्पति, जीव जंतु, रहन सहन, कार्यकलाप, सभी चीज़ों में विभिन्नता पाई जाती है। तो बच्चों, हम इन 2 प्रदेशों में दोनों से एक एक प्रदेश का उदाहरण यहाँ पर देखेंगे और उन्हें गहनता से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से, जिसमें हम अमेजन नदी के प्रदेश के बारे में जानेंगे। अमेजन बेसिन में जीवन। बच्चों, अमेजन बेसिन, यहाँ पर आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भागों में स्थित कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू और ब्राज़ील के देशों में फैला हुआ एक बहुत बड़ा विशाल बेसिन है, जो वहाँ की अमेजन नदी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। ध्यान से देखें तो आपको यह उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित दिखेगा। वो मध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं और अमेजन नदी
इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो ध्यान दें कि यह पश्चिम में एंडीज पर्वत से निकलकर पूर्व में अंद महासागर में पहुंचती है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि इसका नाम अमेजन बेसिन क्यों पड़ा, या इसे हम अमेजन के नाम से क्यों जानते हैं? बहुत पुरानी बात है, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, जिसे हम हेड गियर बोलते हैं, एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। बच्चों, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। आप इस बेसिन में स्थित इन देशों को यहाँ इस मानचित्र में देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ आप मानचित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमेजन नदी अपनी सहायक नदियों के साथ पश्चिम से पूर्व में बहती है। तो बच्चों, सहायक नदियों से आपका क्या अभिप्राय है? ये यहाँ आप देख सकते हो, जो सहायक नदियाँ हैं ये बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं जो मुख्य नदी में आकर मिलती हैं। मुख्य नदी में अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन कहलाता है। ये सारा बेसिन इसीलिए अमेजन नदी का बेसिन कहलाता है। जल संग्रहण क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। आप जानते हो, अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। बच्चों, आइए अब हम वर्षा वन के निवासी और उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अन्ननास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कर्तन एवं दहन की पद्धति क्या होती है? कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं।
इसे ही हम कर्तन एवं दहन की पद्धति कहते हैं। बच्चों, यहाँ के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये लोग चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। बच्चों, अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन अब धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, मगर 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र के बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, जहां वे अपनी पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का एक बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। आपने जाना कि अमेजन बेसिन में लोगों का जीवन कैसा है और वहाँ पर कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं तथा किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति वहाँ मिलती है, और उपोषण प्रदेशों में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में जानेंगे। यहाँ चित्र में आप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को देख सकते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। आप ध्यान से देखिए, यह बेसिन उपोषण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ सुवर्णश्री, तिस्ता, लोहित और बराक हैं? बच्चों, इस बेसिन की मुख्य विशेषताओं में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सुंदरवन डेल्टा प्रमुख हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड पड़ती है। बच्चों, यहाँ आप भारत के मानचित्र में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को देख सकते हैं कि यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार तिब्बत से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश से अंदर आती है और बांग्लादेश के रास्ते ये गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो आपको मालूम है कि ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश की सीमा में जमुना तथा बांग्लादेश में ही जब यह गंगा के साथ मिल जाती है तो इसे पद्मा कहा जाता है।
ये बेसिन क्षेत्र विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों से भरा पड़ा है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए उचित नहीं होते, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। नगदी फसलों से अभिप्राय है कि जो फसलें बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं, जिन्हें बेचकर किसान नगदी कमाता है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बगान भी देखे जाते हैं। पश्चिमी बंगाल एवं आसाम में चाय के बगान मिलते हैं। आप इन्हें इस चित्र में देख सकते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाओं से अभिप्राय खड़ी ढलानों पर समतल स्तर बनाकर कृषि करने से है। बच्चों, ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। आप यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ वेदिका कृषि आपको नजर आएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि बहुत उपयुक्त होती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी उगाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। बच्चों, क्या आप जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ चित्र में आप अंधी डॉल्फिन को देख सकते हैं। अब नदियों में अत्यधिक प्रदूषण के कारण ये लुप्त होने के कगार पर हैं। आप जानते हो, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। और क्या आप जानते हो कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में
कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है, और इसीलिए गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। बच्चों, अब हम इस बेसिन में यातायात के बारे में भी देख लेते हैं। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। यहाँ देखिए, कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। एक महत्वपूर्ण पतन भी है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो बच्चों, आपने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य विशेषताओं को यहाँ तक जाना, तो अपने अध्याय के इस ज्ञान को दीर्घकालिक बनाने के लिए चलिए अब हम कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने अध्याय में जाना कि ब्रह्मपुत्र नदी के एक से अधिक कई नाम हैं। यह नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बच्चों, आपको इसके नाम बताने हैं। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? सांपो सर। बहुत खूब। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? सर, दिहांग। बहुत अच्छे। बच्चों, इसे असम में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा। बहुत अच्छे। बांग्लादेश में इस नदी का क्या नाम है? जमुना। बहुत खूब। बच्चों, आप जानते हो, जब यह नदी बांग्लादेश में गंगा से मिलती है तब यह क्या कहलाती है? पद्मा सर। बहुत अच्छे। तो बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप हमें उस महाद्वीप का नाम बताएं जिसमें अमेजन बेसिन स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं? अमेजन बेसिन के लोग टोपियोका, अनानास, कॉफी, मक्का, कोका, शकरकंद, कसावा और गन्ना को प्रमुख रूप से उपजाते हैं। बहुत अच्छे। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता। बहुत अच्छे। आपने वहाँ पर क्या देखा? सर, वहाँ पर गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है पहाड़ों पर से। अगला प्रश्न बच्चों, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में पाए जाते हैं। बहुत खूब बच्चों। बच्चों, आइए अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? विकल्प क गंगा बेसिन, ख अफ्रीका, ग अमेजन। अमेजन। बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न, कोलकाता किस नदी पर स्थित है? क ऑरेंज, ख हुगली, ग भागीरथी। ख हुगली। बिल्कुल ठीक। बच्चों, अगला प्रश्न है, देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? क शंकुधारी वृक्ष, ख पर्णपाती वृक्ष, ग क्षुप।
क शंकुधारी वृक्ष। बिल्कुल ठीक बच्चों, ये हिमालय में पाए जाने वाली वनस्पति है। अगला प्रश्न है, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? क पर्वतों में, ख डेल्टा क्षेत्रों में, ग अमेजन में। ख डेल्टा क्षेत्रों में। बिल्कुल ठीक बच्चों, आप जानते हो ये सुंदरबन डेल्टा जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देखिए, आपको दो स्तंभ, स्तंभ क और स्तंभ ख नजर आएंगे। आपको स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान करना है। क सूती कपड़े, गंगा के मैदान। बिल्कुल ठीक। मलोका ढालू छत। हाँ जी, ये एक प्रकार का मकान होता है। पिरान्या मत्स्य। हाँ जी, ये एक प्रकार की मछली है। घ रेशम कीट, रेशम कीट पालन। बिल्कुल ठीक। च काजीरंगा असम। हाँ जी, काजीरंगा का संबंध असम से है। हाँ तो बच्चों, आपने यहाँ तक इस अध्याय में यह जाना कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर लगभग ज़्यादातर जनसंख्या उपोषण और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही पाई जाती है, और आपने उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अमेजन बेसिन को ध्यानपूर्वक और गहनता से इसका अध्ययन किया तथा अमेजन नदी के बेसिन और उसकी विशालता के बारे में आपने इस अध्याय में जाना। वहाँ की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, आपने वहाँ के जीव जंतु और ये बेसिन किन किन देशों में फैला हुआ है, आपने इस अध्याय में यह देखा। इसी प्रकार से आपने उपोषण कटिबंधीय प्रदेश के में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में और वहाँ के जीवन, काम धंधे तथा जलवायु का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इस अध्याय के जरिए यहाँ पर दोनों प्रदेशों में जो विभिन्नताएं हैं उनके होने के कारणों का आपको अच्छा ज्ञान मिला होगा। बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।